सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह तेजी से ऊपर उठ चढ़े एल्विस यादव आज सलाखों के पीछे हैं। यूट्यूबर एल्विस यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एल्विस यादव पर सांपों का जहर निकालकर रेव पार्टी में पहुंचाने का आरोप है। अब तक पुलिस से बच रहा एल्विस यादव जहर के खेल में अब पहुंच गया है जेल में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहर के खेल में फंस गए एल्विस यादव। कोबरा कांड में एल्विस हुए गिरफ्तार। रेव पार्टी में सांप का विष पहुंचाया। कितनों ने नशा से कितना कमाया। सोशल मीडिया में सनसनी की तरह तेज रफ्तार से ऊपर चढ़े थे एल्विस यादव, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। न्यायिक हिरासत में पुलिस पूछ रही है, बताओ सांपों का कितना जहर बेचा। एल्विस सोशल मीडिया पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन अब कोर्ट में देना होगा। एल्विस यादव की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सांपों का जहर बेचने का आरोप अगर सिद्ध होता है तो सालों जेल काटेंगे एल्विस यादव। एल्विस यादव की कुंडली की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले एल्विस क्यों भेजे गए जेल, पूरा मामला समझ लीजिए। एल्विस यादव ने पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया। उसने कबूल किया है कि वो सांपों को और सांपों के जहर को जो है वो पार्टीज में बुलाता था। इसके अलावा सांपों को गले में लेके वीडियो डालता था और इसी वजह से नोएडा पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 29 जो है वो एल्विस यादव के खिलाफ लगाई है। यानी कि आप ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं या ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते हैं। इस पूरे मामले में अगर एल्विस यादव दोषी करार दिया जाता है तो 20 साल तक की सजा जो है इस एनडीपीएस की धारा 29 के तहत बनती है। पुलिस ने पिछले साल नवंबर में सांप का जहर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पीपल फॉर एनिमल संस्था ने आरोप लगाया है कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो बनाए जाते हैं। इनके आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वन विभाग के साथ सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल पर छापेमारी की थी। मौके पर रविनाथ, नारायण, जयकरण, राहुल और टीटू नाथ पकड़े गए। छापामारी की कार्यवाही के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 5 कोबरा सांप, 1 घोड़ा पछाड़, 1 अजगर और 2 दो मुहा सांप और सांप का जहर भी बरामद हुआ था। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन सांपों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित बताया गया था। जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ के आधार पर ही इस मामले में एल्विस यादव का नाम सामने आया था और पुलिस ने एल्विस के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी। आगे नोएडा पुलिस की तफ्तीश इस पूरे मामले में कहां तक जाती है कि रेप पार्टीज के क्या क्या और सबूत जो है वो नोएडा पुलिस पूरे मामले में जुटाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में सपोरों को गिरफ्तार किया गया था, उनके बयान दर्ज किए गए थे और जो सांपों का जहर था उसकी रिपोर्ट ने एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ा दी थी। रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा पुलिस ने जयपुर एफएसएल को सैंपल भेजे थे। एफएसएल रिपोर्ट में कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है। इस प्रजाति का सांप काफी खतरनाक होता है और इसके काटने से हर साल बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। इस मामले में एल्विस यादव समेत सपेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।